लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर विश्व हिंदू महासभा के अध्यक्ष की हत्या कर दी गई है। तो विश्व हिंदू महासभा के अध्यक्ष रणजीत बच्चन की गोली मारकर हत्या की गई है, जहां बाइक सवार बदमाशों ने सिर पर गोली मारी है। हालांकि मौके पर पुलिस कमिश्नर समेत कई अधिकारी मौजूद हैं, जहां पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो हजरतगंज में मॉर्निंग वॉक के दौरान सिर पर गोली मारी गई है बदमाशों के जरिए। ग्लोब पार्क के पास बदमाशों ने गोली मारी है, जहां पर कहा जा रहा है कि जब मॉर्निंग वॉक के लिए रणजीत बच्चन निकले थे कि उसी दौरान हमलावर घात लगाए बैठे थे और उसी दौरान उन्होंने ये हमला बोल दिया। तो गोरखपुर के रहने वाले थे रणजीत बच्चन। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें लखनऊ से, जहां पर विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष रणजीत बच्चन, जिनकी सिर पर गोली मारकर हत्या कर दी गई है और उस हत्या को अंजाम दिया है कुछ बदमाशों ने। हालांकि इसके पीछे की वजह क्या है ये जानकारी नहीं, लेकिन फिलहाल ये तस्वीर आप देख सकते हैं, जहां रणजीत बच्चन की जो पत्नी है इस खबर के बाद फिलहाल कुछ बोलने को तैयार नहीं और रो रोकर उनका बुरा हाल यहां पर आप देख सकते हैं। तो R9 TV एक्सक्लूसिव तस्वीर यहां पर आपको दिखा रहा है विश्व हिंदू महासभा के अध्यक्ष रणजीत बच्चन, जिनकी आज सुबह ही मॉर्निंग वॉक के दौरान गोली मारकर हमलावरों ने हत्या कर दी है। दिन दहाड़े सिर पर गोली मारकर इस हत्या को अंजाम दिया गया है। और फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे थे रणजीत बच्चन की पत्नी की, जिनको ये खबर मिली उसके बाद से ही उनका हाल बेहाल है। लगातार परिवार समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आज सुबह जैसे ही उन्हें ये खबर मिली वो अपने आप को संभाल नहीं पाई। तो विश्व हिंदू महासभा के नेता, जिनकी हत्या को अंजाम दिया गया है, आपको बता दें कि इससे कुछ महीने पहले ही कमलेश तिवारी की हत्या को भी अंजाम दिया गया था। और उस दौरान ये कहा गया था कि जो हमलावर पकड़े गए थे कई दिनों की मशक्कत के बाद, उनका कहना था कि कुछ ऐसा बयान उन्होंने दिया जिसके चलते जो मन में द्वेष था वो द्वेष आखिरकार फूट पड़ा और उसके बाद कमलेश तिवारी की हत्या को अंजाम दिया गया। लेकिन अब ये देखना होगा कि आखिरकार रणजीत बच्चन की इस हत्या के पीछे की वजह क्या है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी यहाँ पर चंदमणि शुक्ला यहाँ पर जुड़ गए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे इस पूरे मामले को लेकर। चंदमणि, अभी शुरुआती अपडेट क्या मिल रही है, कोई जानकारी हासिल हो पाई है क्या? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से मेरे पीछे अभी गाड़ी गई है उसमें रणजीत बच्चन की पत्नी और उनके जो परिजन थे उनको ले जाया गया है और वो साफ तौर से रुदन कर रही थी, लगातार विलाप कर रही थी। और जिस तरह से इनकी हत्या हुई है उन पे साफ और सीधे तौर पे इनकी पत्नी का आरोप है कि ये हिंदूवादी विचारधारा की बात करते थे, इसलिए उन्होंने कुछ अलग समाज के लोगों ने इनकी हत्या कर दी है, लगातार ये आरोप लगा रही। वहीं पर जब इनसे बात की गई उनसे पूछा गया कि मुख्यमंत्री और जो तमाम जो जिम्मेदार हैं उनसे क्या मांग करती, तो उन्होंने कुछ भी कहने से मना कर दिया। फिलहाल यहाँ पर जो पुलिस है, जो तमाम अधिकारी हैं, वो इनको यहाँ से ले गए हैं, जो यहाँ पर इनकी पत्नी मौजूद थी इनके आवास पर, इनको शायद अब मर्चरी की तरफ ले जाया जाएगा या जहाँ पर रणजीत बच्चन का शव है वहाँ पर ले जाया जाएगा। और इसके पहले यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं, जो उनसे जुड़े हुए लोग थे, उनका भी आक्रोश देखने को मिला, जिसके चलते OCR बिल्डिंग के बाहर वो प्रदर्शन करते नजर आए और लगातार ये मांग कर रहे हैं कि जिन अपराधियों ने रणजीत बच्चन की हत्या की है उन पे जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। जी बिल्कुल, आप बने रहिएगा हमारे साथ चंदमणि। इस वक्त हमारे साथ अरुण त्रिपाठी जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता है। अरुण जी, विश्व हिंदू महासभा के अध्यक्ष रणजीत बच्चन की हत्या कर दी जाती है सुबह सुबह, और कहा जा रहा है, जिस तरह से अंदाजा लगाया जा रहा है कि इनका कोई बयान ऐसा, हिंदुवादी कोई बयान जिसको लेकर कुछ बदमाशों को वो रास नहीं आया और उसी के बाद इस हत्या को अंजाम दे दिया गया, कोई प्रतिक्रिया आपकी इस पर? जी वही विडंबना है उत्तर प्रदेश की, कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं कि जब हम सत्ता में आएंगे, अब याद होगा आपको 2017 में बोलते थे कि हम सत्ता में आएंगे तो या तो गुंडे प्रदेश से बाहर चले जाएंगे और नहीं तो जेल के अंदर होंगे। लेकिन आज जिस तरीके से प्रतिदिन हत्याएं हो रही हैं उत्तर प्रदेश में, कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को इस पे जवाब देना चाहिए, स्पष्टीकरण देना चाहिए कि वो किसके गुंडे हैं। जब गुंडे प्रदेश से बाहर चले गए हैं या जेल में हैं तो बाकी ये लोग कौन है जो कि रोज हत्याएं कर रहे हैं, ये कहां से लोग आ रहे हैं?
मुख्यमंत्री जी को समय नहीं है कि दूसरे राज्यों में जाके प्रचार करने से, अपने राज्य को तो संभाल नहीं पा रहे हैं। कम से कम उनको ये सोचना चाहिए कि अगर अरुण जी रोकना चाहेंगे, अरुण जी रोकना चाहेंगे आपको हमारे साथ। सपा के प्रवक्ता हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गया है, अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, इस पूरे हत्याकांड को जिस तरह से अंजाम दिया गया है उस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या, क्या सच में जिस तरह से सवाल उठाए जा रहे हैं कानून व्यवस्था को लेकर ये वही है? देखिए, मैं बहुत दिन से कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर में जिस तरह से एक आतंकी सा माहौल बना है, सरकार सिर्फ मार्केटिंग में बिजी है, अपनी मार्केटिंग में बिजी है, लेकिन वो भूल जा रही है कि जनता, जिस जनता ने उनको चुना है उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भूल जाती है। आप सोचिए, 21 तारीख को डीजीपी रिटायर होने वाले थे, अब तक डीजीपी नहीं अपॉइंट कर पाए, 3 महीने से मुख्य सचिव नहीं उत्तर प्रदेश के अंदर में, और इनसे जब ये सवाल उठाओ तो कहते हैं कि आप इस पे हत्या पे विपक्ष राजनीति कर रहा है। अच्छा बताओ, दिन दहाड़े एक व्यक्ति सुबह निकलता है वॉक करने के लिए, चाय पी के घर से निकला होगा कि आएंगे घर में नाश्ता करेंगे बच्चों के साथ बैठ के, और वह रात उस व्यक्ति गोली से उड़ा दिया जाता है। उसके बाद अगर इन पे क्वेश्चन उठाओ कि कानून व्यवस्था आपकी ध्वस्त हो चुकी है तो कहेंगे कि राजनीति करते हैं। अनुराग जी, कानून व्यवस्था के तर अगर हम दोनों हत्याकांडों को देखें, इससे पहले कमलेश तिवारी की भी जिस तरह से हत्या की गई थी, आखिरकार हिंदूवादी नेताओं को निशाने पर क्यों लिया जा रहा है, क्या ये सवाल नहीं किया जाना चाहिए? देखिए, आपको सवाल पूछना चाहिए कि राजनीति में किसी अपराधी का ना कोई धर्म होता है, ना कोई जाति होती है, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी, अपराधी सिर्फ अपराधी होता है। अभी अभी आपने देखा होगा रायबरेली में आज रात को एक लड़की को जिंदा जला दिया गया, उसको मार दिया गया, वो कौन सी हिंदू मुस्लिम की बात थी? ये देखिए, इस तरह की बातें करके माहौल मत खराब कीजिए। अपराधी सिर्फ अपराधी है, और जिम्मेदारी सरकार की बनती है, कोई अपराधी हो आप उसका इनकाउंटर करना, उसको मारना, उसका माहौल बनाना, पुलिस का खौफ पैदा करना सरकार की जिम्मेदारी है। इस तरह का माहौल क्यों बनाना? कल वो ठाकुर होगा, पर तो पंडित होगा, फिर दलित होगा। नहीं, नहीं, अनुराग जी, क्या हिंदुस्तान में रहने वाला आदमी क्योंकि कमलेश तिवारी की जब हत्या को अंजाम दिया गया था उसमें कोट किया गया था, आरोपियों ने पूछताछ में जो जानकारी दी थी उसमें उन्होंने कोट किया था कि बयान ऐसे जिसको बर्दाश्त नहीं किया गया। और जिस तरह की अनुराग जी ये जानकारी मिल रही है रणजीत बच्चन को लेकर, कहा जा रहा है कि कल जन्मदिन था, समारोह था, उसमें एक भाषण दिया और वो भाषण कहीं ना कहीं इन बदमाशों को सही नहीं लगा। मेरी बात सुनी, इस देश के अंदर में हर कोई व्यक्ति किसी जात धर्म का है, किसी पॉलिटिकल पार्टी से, कल मुझे गोली मार दी जाएगी तो कहेंगे समाजवादी का था, ये क्या मतलब हुआ? अनुराग जी, ये तो बड़ी ताज्जुब की बात है कि आप लोग आज जाति और धर्म की बात कर रहे हैं। बस यानी कि सरकार है, योगी सरकार है, कानून व्यवस्था की बात करिए। देखिए देखिए, सरकार किसी की भी हो, सरकार किसी की भी हो, कानून व्यवस्था अगर बदतर है तो उसका जिक्र किया जाएगा। आप कर रहे हैं बेहतर है, बात कीजिए ना, अभी उससे इतिहास मत खोलिए। 70 से क्या हुआ था, 80 में क्या हुआ था, 90 में क्या हुआ, जनता ने पूरी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को चुना है और मुझे नहीं चुना था। जिसको चुना है उसकी सजा क्या मिलेगी? गोली, उसकी सजा मिलेगी रेप, उसकी सजा मिलेगी हत्या, ये सजा मिलेगी जनता को भारतीय जनता पार्टी को चुनने के बाद। ये जिम्मेदारी सरकार की बनती है कि सरकार, पुलिस की जिम्मेदारी। अरे सर, हम तो बचाव कर ही नहीं रहे ना कानून व्यवस्था का, बचाव का आप क्वेश्चन पे पूछ रहे हैं। सरकार हमारी नहीं है मैडम, सरकार भारतीय जनता पार्टी के। अरे सर, आपकी जब सरकार थी तब क्या कानून व्यवस्था की हालत थी? अरे जब फिर वही बात हो गई, इनकी सरकार थी, उनकी सरकार थी, आप बचाव करते रहिए। फिर मैं कह रहा हूँ, आज हत्या हुई, आज की बात कीजिए ना, आज हत्या हुई है, इतनी हत्या हुई है। अनुराग जी, आप भी खुद, आप ही खुद बयानों को इधर से उधर लेके जा रहे हैं, आप खुद लेके जा रहे हैं, आप समाजवादी पार्टी सरकार में चलेंगे। अरे एक व्यक्ति जिसके घर में हत्या हो गई, जिम्मेदारी सरकार पे डालिए कि सरकार आपके रहते हुए लखनऊ जिले में हाल है, लखनऊ शहर में दिन दहाड़े पौश इलाके में गोली मार दी गई है, और जहाँ पे भी आपने बोला था नहीं नहीं यहाँ कमिश्नरी सिस्टम लगा दिया, चाहे कमिश्नरी लगा दीजिए, चाहे SSP लगा दीजिए, जब पुलिस ही भ्रष्ट है, मुझे लगता है जब सरकार के अंदर करप्शन है, सरकारी पूरे भ्रष्टाचार से लिप्त है, तो कहाँ से अपराधी खौफ में होगा? निर्दोषों का इनकाउंटर कर देते हो आप खट से ले जाके, क्या हमने इनकाउंटर कर दिया, सबके पैर में गोली मार के, बदमाश गोली मार के चला गया। अनुराग जी, अनुराग जी, बने रहिए आप हमारे साथ। अनिला जी हमारे साथ जुड़ गई है, बीजेपी के नेता है। अनिला जी, सीधे तौर पर SP के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया जी आरोप लगा रहे हैं कि कानून व्यवस्था को लेकर आप सरकार में आए थे, लेकिन आप लोगों की ही सरकार में अब कानून व्यवस्था चरमरा गई है पूरी तरीके से। बहुत दिनों के बाद अनुराग भदौरिया जी की आवाज सुनने को मिली है। ये लोग सब चुप करा दिए गए थे अखिलेश यादव जी के द्वारा। पर ऐसा है कि 2017 में जब हमारी सरकार बनी थी तो पग पग पर अपराधी पल रहे थे और समाजवादी पार्टी की गोदी में खेला करते थे ये अपराधी। तो समाजवादी पार्टी ना पाठ पढ़ाए कि प्रदेश की कानून व्यवस्था को किस तरीके से चुस्त दुरुस्त किया जाता है और कैसे सरकारें चलाई जाती हैं। हाँ, ये है कि उत्तर प्रदेश खुद प्रदेश क्या, पूरा अपने आप में देश है, और ऐसा प्रदेश जहाँ पर इतने अपराधी पल रहे थे, पहले से कमी आई है, अपराधी घबराते हैं,
परंतु चौंकाने वाला विषय और सोचने वाला विषय ये है कि इतनी जल्दी दूसरा एक हिंदूवादी चेहरा जो था उसकी हत्या कैसे और क्यों की गई, क्या कोई व्यक्तिगत कारण थे या कोई सांप्रदायिक एंगल है इसमें, तो ये तो जांच का विषय है। पुलिस मुझे लगता है जल्द बताएगी, खुलासा करेगी कारण क्या रहे हैं, उसके बाद ही निश्चित करना पड़ेगा कि ऐसा तो नहीं कि दिल्ली में तो केवल हवाई फायर होते हैं और लखनऊ में सीने पे दाग दी जाती है गोली। परंतु इसके ऊपर टिप्पणी नहीं करूंगी, पुलिस जांच करके बताए कारण क्या थे, उसके बाद इस विषय को आगे बढ़ाया जाएगा। जी, लेकिन अनिला जी, जिस तरह से अभी शुरुआती जानकारी हासिल हुई है उसके मुताबिक कहा जा रहा है कि कोई बयान उनका कल दिया गया रणजीत बच्चन जी का, जैसे कि कमलेश तिवारी ने भी पहले दिया था, तो उसी के चलते कहा जा रहा है कि इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। जैसे मैंने कहा कि मैं अभी इसके ऊपर टिप्पणी नहीं करूंगी, पुलिस जो है ऑफिशियली बताए कारण क्या रहा है, क्या ये सांप्रदायिक कारणों की वजह से उनको गोली मारी गई है या व्यक्तिगत कारणों की वजह से मारी गई है। तो अगर सांप्रदायिक है तो जैसा मैंने कहा कि शाहीन बाग में तो केवल हवाई फायर होते हैं, उसमें हालत खराब हो जाती है और सारे नेशनल चैनल और रीजनल चैनल जो हैं उसमें डिबेट करने लगते हैं और यहाँ आके सीने में गोलियां ठोक दी जाए, तो मैं पर बोलूंगी नहीं अभी, पहले पुलिस आ जाए बताए क्या कारण क्या। अनुराग जी, मैं चाहूंगी कि आप बोलिए अब जरा। देखिए, बड़ी महाश्चर्य की बात है, मैं तो कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर में, मैंने बोला ना, अपराधी की ना कोई जाति होती है, ना कोई धर्म होता है, ना कोई पार्टी होती है, अपराधी अपराधी होता है, चाहे उस सीने में गोली मारे चाहे हवा में लहराए। इतनी हिम्मत अपराधियों की हो क्यों रही है, जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहाँ अपराधी इतने बेखौफ क्यों है, डर क्यों नहीं है उनको, क्यों गोली मार के चले जा रहे हैं, क्यों हवा में लहरा रहे हैं, क्यों नहीं उनके ऊपर कार्रवाई होती। अगर आपने अनुराग ठाकुर जैसे लोगों को, प्रवेश वर्मा जैसे लोगों पे कार्रवाई करती होती तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ती। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि देश के अंदर किसी भी राजनीतिक दल का व्यक्ति हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो, अगर वो भड़काऊ भाषण देता है, मैं तो किसी भी दल की बात कर रहा हूँ, और जो हमारे राष्ट्र के लिए नुकसान करता है, ऐसे व्यक्ति को तो राजनीति में भी नहीं होना चाहिए। ये जिम्मेदारी तो सरकार को लेनी पड़ेगी और देश को लेनी पड़ेगी। अनुराग जी, ऐसा तो होता ही नहीं है ना, कितने भड़काऊ भाषण हमने देखे हैं पिछले दिनों, आपको ऐसा तो होता ही नहीं है कभी। अरे राष्ट्र, मेरी बात नहीं सर, राष्ट्र की बात हो रही है ना अभी, राष्ट्र की बात में ऐसा होना होना चाहिए भाई। मीडिया का भी फर्ज है, सरकार का ही फर्ज है कि भाई ऐसे लोगों को बायकॉट करें, जो लोग समाज के अंदर में, हिंदुस्तान के अंदर में एक दहशत का माहौल पैदा कर रहे हो, ऐसे लोगों को रहने की जरूरत नहीं है, और चाहे किसी जात धर्म का हो, किसी पार्टी का हो, माने व्यक्ति दिन दहाड़े गोली, कल तो हम निकलेंगे हमें मार दी जाएगी, कल अनिला जी निकलेंगे अनिला जी गोली मार दी जाएगी, इसके मतलब हर आदमी डरा सहमा निकलेगा, किसका परिवार नहीं रहता भाई, लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, सबके परिवार है, चाहे कोई व्यक्ति हो, अपराधी तो अपराधी होता है, जो किसी को दूसरे गोली मार सकता है वो हमें ही मार सकता है, उसको कौन सा है, अपराधी का कोई जात धर्म थोड़ी होती है। 9mm से गोली मारी गई है, 9mm को गोली का मतलब समझते हैं आप, इस तरह के लोग माने अपराधी टाइप के लोग हैं ये, एकदम प्रोफेशनल है, 9mm से गोली मारने वाले तो प्रोफेशनल लोग होते हैं, कोई हल्के फलके लोग हैं क्या 9mm से गोली मारने वाले। अनिला जी, कमिश्नरी सिस्टम आया, लेकिन जो राहत की बात कही जा रही थी, जो कहा जा रहा था कि कानून व्यवस्था बेहतर होगी, वो होता हुआ नहीं दिख रहा है। अब इस पे मैं टिप्पणी नहीं करूंगी कि कमिश्नरी सिस्टम अच्छे के लिए होगा प्रदेश के लिए या नहीं चल पाएगा, ये तो भविष्य बताएगा। हाँ, मैं अनुराग जी की एक बात से सहमत हूँ कि जब हम अपराधियों की बात करते हैं, जब हम गद्दारों की बात करते हैं, तो वो जाति और धर्म नहीं मायने रखता है। तो जो लोगों ने देश के गद्दारों को डैश जो भी बोला उन्होंने, और सीधे सीधे उनको एक धर्म विशेष से जोड़ लिया, तो ये उनकी मानसिकता की गलती है। गद्दार गद्दार होता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, और उसको नहीं बख्शेंगे हम, भारतीय जनता पार्टी तो नहीं बख्शने वाली है। हाँ, जो लोग जिनके दिमाग में एक केवल धर्म विशेष को गद्दार समझते हैं, वो जाके पहले अपनी दिमागी जांच करवाएं। दूसरी बात यह है, अभी अनुराग जी ने फिर ठीक कहा कि कोई भी राजनेता जो इस प्रकार के भड़काऊ भाषण न देता है, जो किसी के धर्म को कम आंकता है या देश को कम आंकता है, उसको राजनीति नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले आजम खान साहब को ना पार्टी से निकालें, फिर आपकी इतनी बड़ी घटना हो गई, लेकिन आप समाजवादी पार्टी के अलावा कोई काम ही नहीं है, वो समाजवादी पार्टी कोई बीजेपी रोती रहेगी। अरे भैया, सरकार आपकी है, जनता ने आपको चुना है, जनता ने आपको 325 सीटें दी है, जिम्मेदारी आपकी बनती है कि हमारी बनती है, बता दीजिए। अनुराग जी, उनसे संपर्क हमारा कट चुका है। तो जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की बनती है, सरकार उनकी है, पुलिस प्रशासन उनका है, मुख्यमंत्री उनका है, उनका राज चल रहा है, लेकिन अपनी चीज छुपाने के लिए दूसरों पे डालने की जो भारतीय जनता पार्टी की आदत है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को कभी अपनी बात तो करनी नहीं है,
उनको तो हमेशा दूसरों की कमी खोजनी है। दिन दहाड़े मर्डर उनकी सरकार में हो रहे हैं, दिन दहाड़े रेप उनकी सरकार में हो रहे हैं, अत्याचार और क्या हत्याएं उनकी सरकार में हो रही है, और क्या कहेंगे, अरे समाजवादी थी तो ऐसा था, पहले था तो ऐसा था, फलाने ने ऐसा बोला था। अरे आज क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर में, आज बताइए ना आज की हालत क्या है, जिधर देखो उधर हत्याएं और मर्डर हुए जा रहे हैं। लखनऊ में कौन सा मर्डर, ये तो पांचवा छठवां मर्डर हो गया देखते देखते, कि लोग मर्डर करके चले जाते हैं और ये अपना कहानी रोते रहते हैं, नहीं नहीं ऐसा है वैसा है, इनका हो गया उनका हो गया, जाते तक कोई नहीं। मैंने कहा ना अपराधी अपराधी है, और अपराधी बेखौफ इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश की पुलिस, उत्तर प्रदेश का शासन प्रशासन सिर्फ अपनी मार्केटिंग में लगा है, अपनी बात बनाने में लगा है, उसको जनता से कोई लेना देना नहीं है, उसको लॉ एंड ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं है। वो ये सोचता रहता है किस तरह से कुछ एक माहौल बनाया जाए, किस तरह से एक माहौल बने जिससे हमें सत्ता हासिल हो, जाति धर्म की राजनीति करके सत्ता हासिल करनी है, उनको जनता की चिंता नहीं है बस। बिल्कुल बिल्कुल अनुराग जी बने रहिएगा, अरुण त्रिपाठी जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अरुण जी माफी चाहूंगी देर से आई हूँ, लेकिन अरुण जी क्या आपको भी यही लगता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं जो सिस्टम है, जो कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की बात बार बार कही जा रही थी, वो कहीं ना कहीं फेल होती जा रही है? 3 साल बीत गया है, अब 2022 में अगला चुनाव है, क्या कहें कि एक राजनीति कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को लेकर हम बना रहे हैं, या सच में योगी सरकार जिस तरह से दावे कर रही थी वो दावे पूरे नहीं हो पाए? पहले मेरी बात सुनिए, आपने अगर बुलाया था अनिला सिंह को, आपने कनेक्ट किया अनुराग जी को, कनेक्ट किया और अनुराग जी अनिला सिंह आपस में बात करके चले गए, तो क्या कांग्रेस मूक दर्शक बन के देखती रहे? आपने मुझे तो मौका ही नहीं दिया कि अनिला सिंह से मैं जवाब कर सकूं, सवाल ले सकूं। सर आपसे सवाल तो ले रहे हैं हम। नहीं नहीं अभी ले रही है, जब अनिला जी चली गई मैं अनिला जी से सवाल करना चाहता था सर, तब भी आपसे सवाल लिया था। लखनऊ से जोड़ रही है, कहीं ना कहीं ऐसा ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये सुनियोजित तरीके से ये किया जा रहा है। अरे सर आप लोगों को हर चीज सुनियोजित क्यों लगती है? अरे क्यों आप लोगों को अपना जब स्टैंड पता है, आप इसे सुनियोजित किस तरह से किस लिए समझते हैं? चैनल पे बैठ करके वो शाहीन बाग को लखनऊ से कनेक्ट कर रही है, शाहीन बाग में कहाँ गोलियां उड़ाई गई, कहाँ चलाई गई, और लखनऊ में कौन किसकी हत्याएं की गई, आप अगर इसको दिमाग लगा के सोचिए तो कहीं ना कहीं इसको उन्माद फैलाने की कोशिश की जा रही है। लखनऊ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हिंदू युवा नेता मारा जाता है, वो क्यों मारा जाता है, और ऐसे समय मारा जाता है जब सटे हुए राज्य दिल्ली में चुनाव चल रहे हैं, दिल्ली में हवाई फायरिंग हो रही है, दिल्ली में इनके नेता उल जलूल भाषण दे रहे हैं, उल जलूल वक्तव्य दे रहे हैं, जिसको इलेक्शन कमीशन ने भी बैन कर दिया। अरुण जी क्या इसको मान लिया जाए कि जो बयानबाजी होती है वही एक नतीजा है यहाँ पर? नहीं देखिए, नतीजा तो सरकार बताएगी ना कि करना क्या है, लॉ एंड ऑर्डर उनके पास है। जिस तरीके से कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई जा रही है उत्तर प्रदेश में, और योगी जी शांत होकर के बैठ करके देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जनता से उनका मोह खत्म हो चुका है। वो जानबूझ करके जनता को जलने के लिए मरने के लिए छोड़ना चाहते हैं। तो इसका जवाब 2022 में जरूर देगी जनता। और आपको मैं बताऊं, कांग्रेस पार्टी की कड़ी निंदा करती है जिस प्रकार से अभी पीछे कमलेश तिवारी जी की हत्या हुई थी और हिंदू युवा नेता की हत्या हुई है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।